हाय फ्रेंड्स, तिरिस किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं इंस्टेंट पोटैटो चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली हम घर में जो पोटैटो चिप्स बनाते हैं उसे सबसे पहले कट करने के बाद फिटकरी के पानी में भिगा कर रखते हैं, फिर उसे 15 से 20 मिनट के लिए हम सुखाने के लिए रखते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, इससे बिल्कुल अलग है और इंस्टेंट रेडी हो जाएगा। तो चलिए पोटैटो चिप्स बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें तेल गर्म करने के लिए रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, उस दौरान में हम पोटैटो को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो आलू लिए हैं, इसे छील कर मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे एक साफ़ कपड़े की मदद से हम पोंछ लेंगे, हल्का सा पोंछ लेना है इसे, या फिर आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसे मैंने पोंछ लिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह के कटर की मदद से आप इसे कट कर लीजिए, इससे बिल्कुल परफेक्ट कट होता है। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है ये। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही आलू को कट किया है, वो इसलिए कि ज़्यादा आलू कट करने से ये काला पड़ जाएगा, क्योंकि हम इसे पानी में नहीं भिगाएंगे और ना ही इसे सुखाएंगे, डायरेक्ट हम इसे फ्राई करेंगे। तो जब मैं ये आलू फ्राई करने के लिए डालूँगी कढ़ाई में, तो उस टाइम में मैं ये दूसरा आलू कट कर लूँगी, तो इसलिए मैंने इसे नहीं कट किया है। तो चलिए देखते हैं तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम एक एक करके इसमें चिप्स ऐड करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है हमें इसे, और क्रिस्पी होने तक का इसे फ्राई करेंगे, हल्का सा सुनहरा कलर आने तक का इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल को आप इस तरह से झटकते हुए निकाल लीजिए, और बाकी के भी सब इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखें कि आप एक साथ चिप्स को ना ऐड करें, एक एक करके ही ऐड करना है, वरना वो एक में एक चिपका हुआ ही रहेगा। तो हम इसे निकाल लेते हैं, ये भी फ्राई हो चुका है। फ्राई करने के बाद आप इस पर नमक और चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए और इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा इंस्टेंट पोटैटो चिप्स रेडी हो चुका है, और इसे आप व्रत में भी खा सकते हो। बस आप इस पर सेंधा नमक स्प्रिंकल कर लीजिए और इंजॉय कीजिए। और इसे इस तरह से फ्राई करके आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। तो देखिए कितना क्रिस्पी बना है, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।